नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। मेरा नाम है नीरज। आज की वीडियो में बात करेंगे कॉशनरी साइंस के बारे में। जी, जो कुछ महत्वपूर्ण सिग्नेचर्स होते हैं रोड पे, जो निशान होते हैं, उनको क्या किस तौर पे हमको ध्यान रखना चाहिए और उनके एक्चुअल मीनिंग, डीपली मीनिंग क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में हम लोग समझ रहे हैं जो रोड पर फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हैं, जो बिगिनर्स ड्राइवर हैं, उनको जिन साइंस का ध्यान रखना होता है, जिन सिग्नेचर्स का ध्यान रखना होता है, एज वेल एज ये साइन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी गाड़ी चलाते हैं या जो पुराने ड्राइवर हो चुके हैं उनको भी, बिकॉज़ ये सुरक्षा के नियमों के लिए बहुत ही आवश्यक निशान और सिग्नेचर होते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली ये जो साइंस होते हैं, काफ़ी सारे सिग्नेचर हैं, तो हाफ आज की वीडियो में समझेंगे, हाफ नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। फर्स्ट साइन आप देख सकते हैं, ये आपको राइट साइड की तरह कर्व मुड़ता हुआ दिखेगा। इस सिग्नेचर का मीनिंग ये होगा कि बहुत ही जल्दी आने 200 मीटर, 100 मीटर या 300 मीटर बाद राइट साइड में कर्व होगा, तो आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए। नेक्स्ट उसके अपोजिट आपको दिखेगा लेफ्ट साइड का, इसका मतलब ये होगा कि गाड़ी आगे लेफ्ट साइड का टर्न आने वाला है। सेम ऐसे ही राइट हेयर पिन बैंड, मतलब आप सीधे जाके सडनली एक पिन बैंड होगा, इमीडिएटली ही राइट साइड पर जो कट आएगा कट आने वाला होगा, जो राइट साइड पर रोड मुड़ रहा होगा, तो आप अपनी गाड़ी को स्पीड को थोड़ी कम कर लीजिए और उसको रोड पर ध्यान रखिए। सेकेंड इसके अपोजिट होगा लेफ्ट पिन बैंड, सडनली जैसे रोड स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जाते जाते ही रोड एकदम से लेफ्ट साइड में मुड़ रहा होगा, तो स्पीड को उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलने के लिए ये साइंस पहले से ही 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर के पहले ये साइंस ड्राइवर की साइड में बोर्ड रहेंगे, बोर्ड में लगे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आपका साइन आता है राइट रिवर्स बैंड, ये zigzag जेड टाइप रोड होता है और ये रोड मैक्सिमम जो देखने को मिलते हैं ऐसे सिग्नेचर, ये पहाड़ों में आप उत्तराखंड हिमाचल वगैरह जाएंगे तो ये सिग्नेचर आपको बहुत देखने को मिलेगा। ये सेम बिल्कुल जेड टाइप होगा, zigzag वाले सिग्नेचर होते हैं। ये राइट रिवर्स बैंड है और सेम इसके अपोजिट लेफ्ट रिवर्स बैंड है। जैसे राइट साइड में आएगा तो आपको राइट साइड के साइड इसका फेस दिखेगा, लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट साइड आपका फेस दिखेगा। नेक्स्ट आएगा क्रॉस का ऐसा निशान बन के आएगा, इसका मतलब ये रहेगा क्रॉस रोड है, मींस ये रोड ऐसा है चौराहा, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे चौराहा आने वाला है, गाड़ी चारों तरफ से आ रही होंगी, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए, अपनी गाड़ी को स्पीड को कंट्रोल में रखिए और जिससे कोई भी कैजुअल्टी ना हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। नेक्स्ट जो साइन है वो साइड रोड राइट साइड की साइड इशारा करेगा आपको, इसका मतलब ये है कि जिस रोड पर आप चल रहे हैं उस पर एक आपको राइट साइड में कट आने वाला है, राइट साइड में टर्न आएगा, जो उसको आप ध्यान से रखिए, गाड़ी की स्पीड अपनी स्लो कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा वाइड ट्रैक्शन, वाइड ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जिस रोड पे आप चल रहे हैं उसी साइड में एक साइड रोड पड़ेगा, सर्विस रोड पड़ेगा सीधे हाथ पे अपने राइट हैंड साइड पे ड्राइवर के। सेम उसके अपोजिट है वाइड ट्रैक्शन, लेफ्ट हैंड साइड हो गया ये। सेम उसके वाइड ट्रैक्शन दो बोथ वेज मीन्स राइट एज वेल एज लेफ्ट, सो इसका मीनिंग ये हो गया कि आगे जाके एक रोड का जो सिग्नल्स आए, जो रोड आने वाले हैं वो लेफ्ट साइड में भी आएगा राइट साइड में भी आएगा, सो उसके अकॉर्डिंग आप सीधा नहीं जा सकते वहाँ पे, वो रोड आपको कहीं ना कहीं टर्न लेना पड़ेगा, या तो आपको राइट जाना पड़ेगा या आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा। सेम आएगा टी इंट्रैक्शन, टी इंट्रैक्शन हम सब जानते हैं, जिसको हम टी पॉइंट बोलते हैं नॉर्मल से लैंग्वेज में, वहाँ आगे जाके स्ट्रेट जाके रोड आपको खत्म हो जाएगा, या तो आपको लेफ्ट या राइट एक टर्न लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो निशान आप देखेंगे इसमें ट्रैफिक मर्ज है राइट लेफ्ट इमीडिएट, मतलब इसका ये इस सिग्नेचर का ये मतलब रहेगा कि आप जिस रोड पे गाड़ी चला रहे हैं इमीडिएट उसी रोड पे फर्स्ट लेफ्ट साइड में कट पड़ेगा, सडनली ही तुरंत उसके बाद एक राइट साइड में कट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करके चलिए। नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रैफिक मर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से एक सर्विस रोड है वो ट्रैफिक मर्ज हो रहा है मेन रोड पर, जिस रोड पर आप चल रहे हैं वहाँ पर वो मर्ज हो रहा है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। सेम है मेजर रोड अहेड, ठीक है, ये मेजर रोड अहेड का निशान दो बार आएगा, फर्स्ट टाइम जो आएगा इसमें आप जिस रोड पे आप चल रहे हैं वो रोड आप क्रॉस कर सकते हैं, और ये मेजर रोड रहेगा उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। सेकंड रहेगा मेजर रोड अहेड का मतलब है, लेकिन ये टी पॉइंट, जस्ट लाइक टी पॉइंट, ठीक है, जो हमने पहला वाला निशान समझा था वो टी पॉइंट ऐसा था कि जरूरी नहीं है कि वो मेन रोड है, लेकिन ये जो रहेगा ये चौड़ी पट्टी का एक निशान रहेगा, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आगे जा रहा है वो मेन रोड है, हाईवे है वो, जहाँ पे ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रेट नहीं जा सकते, आपको लेफ्ट या राइट टर्न लेना पड़ेगा। टू वे सिग्नल रहेगा लेफ्ट राइट वाला, और टू वे सिग्नल रहेगा स्ट्रेट फॉरन, स्ट्रेट जाने के लिए, स्ट्रेट आने के लिए। ये वाला सिग्नेचर आपको दिखेगा जब दो साइड से चौड़ी पट्टियाँ जा रही हैं, आगे जाके वो पतली हो जा रही हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि नैरो रोड अहेड, थोड़े से बाद आप जाएंगे तो रोड आगे से पतला हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड को स्लो कर लेंगे और ड्राइविंग अच्छे से ड्राइविंग करेंगे बिना किसी कैजुअल्टी के। सेम रोड है, सेम निशान आगे रहेगा, बट इस निशान में क्या रहेगा, पहले आपको संकरा पतला निशान दिखेगा, बाद में वो रोड आगे जाके चौड़ा हो रहा है, सो इस मीन रोड आगे जाके चौड़ा हो रहा है,
उसकी विड्थ बढ़ रही है आगे जाके, सो आप अपनी स्पीड को उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेन कीजिए। सेम रहेगा नैरो ब्रिज, जो ये वाले आप निशान देखेंगे, दो निशान रहेंगे ठीक है, इसमें थोड़ा सा गैप रहेगा और ये आगे से थोड़े से बैंड है निशान ये, तो इसका मतलब ये होगा कि आगे ब्रिज आएगा, नैरो ब्रिज, कोई भी नहर हो सकता है, नाला हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, उसके ऊपर एक पतला सा ब्रिज बना हुआ है, नैरो ब्रिज। सेम उसके बाद आप देखेंगे एक निशान ऐसा रहेगा, दो साइड से उठा हुआ, बीच में थोड़ा सा डाउन गड्ढे जैसा निशान आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आगे डेंजरस डिप है, मतलब जैसे रोड चल रहा है, चलते चलते एक गड्ढा है, उसमें एक गड्ढा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत स्लो कर लीजिए कार को और इजीली वहाँ से निकालना है, अदरवाइज कोई एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। रहने वाला है उसका नाम है अनइवन रोड, इसमें आप देखेंगे जिगजैग टाइप एक रिंकल्स टाइप निशान बने रहेंगे, इसका मतलब यह है कि जो आगे रोड आने वाला है वो रोड सीधा नहीं है, मतलब गड्ढे हैं, टेढ़ा मेढ़ा रोड है, ऊंचा नीचा रोड है, सो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है वो मेंटेन करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो निशान रहेगा वो रोड हम्प का रहेगा, जो ब्रेकर्स वगैरह आते हैं हमारे यहाँ पे, ब्रेकर का निशान रहेगा, इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग हाईवे पे जाते हैं, हम ब्रेकर का ध्यान नहीं देते हैं, गाड़ी की स्पीड काफ़ी होती है 90-100, सो हम लोग क्या करते हैं उस दौरान अगर हम उसी स्पीड में गाड़ी को पार कराने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी जंप होती है, जंप होने में गाड़ी को नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, एज वेल एज जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं, ड्राइवर बैठा है, उनको भी नुकसान होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी जिस जो बिगिनर्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं जिन ट्रैफिक रूल्स के बारे में, इन्हीं के जो पहले के चैप्टर्स हैं मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा मैं, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।